ब्रेक के बाद हम लौट आए और 24 का चुनाव मोदी का दलित दाब पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान हैं दीपक सोनकर बीजेपी की तरफ से, सचिन रावत कांग्रेस की तरफ से, फराज किदवई जी हैं हमारे साथ सपा की तरफ से, गंगाराम अम्बेडकर जी हैं हमारे साथ दलित विचारक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगाराम जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए अभी किदवई साहब कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं और जब अब जो स्थितियाँ हैं, दलित लोगों का यही दर्द होता था कि जो रेहड़ी पटरी वाले उनको परेशान किया जाता था पिछली सरकार में, उनके सामान छीन लिया जाता था, पैसे तक नहीं देते थे, खाली प्लॉटों पर कब्जा कर लिया जाता था, उनकी ज़मीनें कब्जा कर ली जाती थी। तो अब क्या आप मानते कि अभी भी वही स्थितियाँ बदली है या वाकई में अभी भी नहीं ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदली हैं? देखिए, जो सामाजिक विकृति है जेपी जी, जिसकी सामाजिक सोच गंदी है, तो चाहे जिसकी सरकार हो वो तो सामाजिक शोषण करेगा। जहाँ तक सरकारी संरक्षण का सवाल है, तो ये सही बात है कि जब 6 मार्च को समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला तो इसके बाद लगातार 9 दिन तक श्री अखिलेश यादव जी ने शपथ नहीं लिया और समाजवादियों को दलित समाज की बस्तियों पर तांडव मचाने के लिए फ्री कर दिया और उसी बीच तमाम दलित प्रधानों की हत्याएं हुई और बड़े बड़े बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर हमला हुए और इसके बाद 15 मार्च को शपथ ली गई। ये पूरी तरह से 9 दिनों तक वो पूरी तरह से खाली छोड़ा गया और जब सरकार बनाने का मौका मिला तो सबसे पहले जो महापुरुषों के नाम पे जिले और स्मारक उनके नाम बदले गए, हरित, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हरित गार्डन आप दूसरी जगह भी कहीं बना सकते थे, गोमती नगर में उसका नाम जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया गया, वहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा जो स्मारक संग्रहालय जो सम्मान में बनाए गए उनको अय्याशी का अड्डा बोल दिया गया। किदवई साहब सुन लीजिए, दलित समाज के अंदर जो ये टीस है, मैं सब दलित समाज को सुना है, मुझे लगता है कि शायद 2022 को अखिलेश यादव जी के साथ दलित समाज के लोगों ने मन बनाया था, लेकिन जो अम्बेडकरवादी सोच के जो दलित थे, चाहे वो कमलाकांत गौतम हो, चाहे वो दद्दू प्रसाद हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे वो तमाम नेताओं को जो जिनके अंदर अम्बेडकरी सोच थी उनको उन्होंने साइडलाइन करने का काम किया, तो इससे जो दलित समाज में एक संदेश गया। नहीं गंगाराम जी, एक सबसे बड़ी बात है, दलित वोटर को एक कैडर वोटर माना जाता था मायावती का, क्या अब मायावती से छिटक रहा है वोट, क्योंकि वोट परसेंटेज में कमी आई है? हम आंकड़ा दिखा रहे 2014 या 2019 का जो स्थिति रही है। देखिए, दलित समाज की मनोभावनाओं को अगर भारत के अंदर कोई नेता समझने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने समझ लिया है कि दलित समाज चाहता क्या। दलित समाज रोजी रोटी से ज्यादा अपने जो एजेंडा आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो महापुरुषों के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है, तो शायद दलित समाज एक बार भूखा रह सकता है लेकिन महापुरुषों को सम्मान देने में पीछे नहीं रहते हैं। तो शायद मोदी जी ने इस बात को समझ लिया है और इसीलिए राम मंदिर बनाने से पहले उन्होंने भीम मंदिर बनाने का काम किया, पंचतीर्थ बनाने का काम किया, लंदन में बाबा साहेब के सम्मान में स्मारक, अलीपुर में बाबा साहेब के सम्मान पे स्मारक, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ चैतन्य भूमि में बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में स्मारक, जहाँ उनका जन्म हुआ मऊ छावनी में बाबा साहेब के सम्मान में स्मारक, और जहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा लिया वहाँ नागपुर में भी बड़ा स्मारक बनाने का काम किया। इसके अलावा जहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, ये कोई काशी और बनारस का सवाल नहीं है, अभी 23 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर में 100 करोड़ की लागत से स्मारक बनाने का, ठीक है, ये किदवई साहब आपने सुना, किदवई साहब आपने सुना, उन्होंने तो लंबी फेरिस भी गिना दी। और सर आपकी सरकार में इन पर कितना अत्याचार हुआ गंगाराम जी ने वो भी बता दिया सर, और आपने आप बता दीजिए ना कि दलितों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, कोई उपलब्धि आप बता दीजिए ना किदवई साहब। देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि बिना ऑथेंटिकेट किए हुए चीज किसी भी सत्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो अघोषित प्रवक्ता कुछ हैं, जो आकर के टीवी चैनल पर कुछ अपने फायदे के लिए पक्ष रखने लगते हैं, मैं उनकी बात मानूं या सरकार की बात मानूं? अरे साहब, मैं तो सरकार की बात मानूंगा, किसी पेड़ प्रवक्ता की बात तो मानूंगा नहीं मैं। तो काउंटर करिए ना सर, किदवई साहब आप दीजिए ना जवाब, ये अगर गलत बोले तो आप जवाब दीजिए ना, आपको मंच दे रहे हैं ना हम, जवाब को सुनिए। मैं सरकार की बात मानूंगा, सरकार जो एनसीआरबी के आंकड़े देती है उसके हिसाब से 16% दलितों के खिलाफ जो है वो क्राइम रेट बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। ये नहीं बोल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, एनसीआरबी बोल रहा है। दूसरी बात, मैं गंगाराम अम्बेडकर जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे हैं, जौनपुर में एक दलित
भाई को पेशाब पिलाया जाता है उसके ऊपर इनकी कोई प्रतिक्रिया है? उसके ऊपर कुछ नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि सरकार से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा बैठ कर गया यहाँ पर प्रयागराज में एक एसआई दलित महिला की दो बहनों को गाल पर टांग दिया था, आपको शायद भूल गए होंगे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब बदायूं में हमारे दलित बहनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था, जहाँ पर दलित समाज के लोगों को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है वहां पर इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इनको तो सरकार से कुछ ना कुछ फायदा लेना है। अरे दलित समाज आपके जैसे लोगों को सुन रहा है, दलित समाज के सम्मान नेशनल जहां भी समाज के ऊपर शोषण होता है तो चाहे सरकार के खिलाफ हो चाहे सरकार के समर्थन में हो, हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग समाज हमारे लिए सर्वोपर है। समाज पर जहाँ भी शोषण में अत्याचार होता है हम लोग आवाज बुलंद करते हैं और आंदोलन भी करते हैं। और दिल्ली के डीडीए द्वारा जब संत रविदास मंदिर को धराशायी करने का प्रयास किया गया तो हम लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भी प्रोटेक्शन किया था, तो शायद उस बात को मोदी जी ने समझा। आपको जो भी दलित समाज इस टाइम देख रहा होगा ना, जरा ट्विटर पर आप एक डिबेट डाल दीजिएगा, उसके बाद में कैसे कमेंट डालेंगे सर, डालेंगे अंदाजा कर लीजिए सर। भाई साहब वो आपकी भी पूरा बोलेगा, दलित समाज को देख रहा है, बनावटी बातें नहीं बोलते हैं भाई साहब, उन तर्क संगत बातें बोलते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब डीडीए द्वारा संत रविदास मंदिर को डिमोलिश करने का आदेश हुआ तो वहाँ भी हम लोगों ने, ठीक है किदवाई जी मैं लौटूंगा, गंगाराम जी मैं लौटूंगा, मैं सचिन जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सचिन जी आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि दलित विरोधी है बीजेपी और आप भी कह रहे हैं, लेकिन सर दलित इनको ही वोट दे रहा है, 2014 में भी इनको दिया, 2019 में भी इनको दिया, इसका जवाब मुझसे ले लीजिए। आ रहा हूं किदवाई साहब, आप जल्दी से दे दीजिए फिर मैं सचिन जी से ले लूंगा, किदवाई जी जल्दी से दीजिएगा। पर जी देखिए जेपी जी आपका चैनल जो है बड़ा प्रतिष्ठित है और मैं आपके चैनल पर डिबेट, ठीक है किदवाई साहब, ठीक है सचिन जी बात पहले पता होता जी। सचिन जी 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 पी जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ रखिए ना रखिए जी। आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पूरे देश में काफी लोग देखते हैं, लेकिन मैं ये बस ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे पता होता कि भाजपा दलित विचारक आ रहे हैं तो मैं उस हिसाब से आपको बताता, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है अच्छी बात है कि जो दलित विचारक या राजनीति विश्लेषक भाजपा प्रो आते हैं तो वो कैसे दलितों की वास्तविकता जो स्थिति है वो बता सके, इसके लिए आपको, अरे तो आप सर, आप तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दलित विचारक है, उनको बैठाने की आवश्यकता है, हजारों लगातार करता है, लेके आता हूं, खोल पा रहे फिर वो क्यों नहीं बोल खोल पा रहे? एक आदमी आपके लिए टेंशन बन गया, गंगाराम जी आपको टेंशन दे रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि देखिए स्मारक बनवाइए, मंदिर बनवाइए, मूर्ति लगवाइए, हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों पे, उनके विचारों पर कम से कम उस पर भी तो चलिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, आप लगातार संविधान को कमजोर करते जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बेचते हुए जा रहे हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री बने थे। कम से कम जो दलितों के हक और हुकूक की बात होती है तब उस पर आप हमेशा चुप्पी साथ जाते हैं। अभी हमारे भाई दीपक जी ने राजस्थान की घटना गिनाई, छत्तीसगढ़ की घटना गिनाई, जब गुजरात में ऊना में नरसंहार हुआ, दलितों को मारा पीटा गया, उनकी छाती पर दलित लिखवा दिया गया, तब प्रधानमंत्री जी तब उस पर कुछ नहीं बोले। तो ये दलितों की जो स्थिति है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में क्यों होती है कि दलितों को लगातार डिटेन किया जाता है, उन पर उल जुलूल के मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, इन्हीं के लोगों की वजह से, एक विशेष जात के लोग जो है बैठ करके हमेशा दलितों के साथ में उन लोगों ने क्राइम किया है, उस क्राइम को हमेशा देख करके आए हैं। मैं तो वही बात बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में इनके जो गरीब जो केशव प्रसाद मौर्य जी उनके संसदीय क्षेत्र में दलितों में पासी समाज के जो किया गया एक परिवार था, जमीन कब्जाई के मामलों में उन पर जिस तरह से उनका घर जलाया गया, एक महिला की जो प्रेग्नेंट थी उसकी हत्या की गई, तो कम से कम ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये भी तो कम से कम बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को। ये दलितों के साथ में हमेशा इस तरह का रवैया ये स्पष्ट दिखाता है
कि आप सिर्फ वोटों की फसल के लिए दलितों को बरगलाने के लिए इस तरह का इवेंट करते हैं। आप इवेंट ऑफ प्लानिंग की सरकार है, इवेंट प्लानिंग की सरकार जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। आज दलित किसान महिलाएं नौजवान आपकी सरकार को बदलने के लिए तैयार होंगे। जब चुनाव आने वाला है चुनाव की दृष्टि क्लियर हो, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, चुनाव हार रहे। अरे हम लोग हार जाएंगे, हारने जीतने की बात नहीं, संविधान की बात ही है। आप क्यों संविधान को कमजोर कर रहे हैं? आपकी सरकार क्यों संविधान को कमजोर कर रही है? ये स्थिति स्पष्ट है कि दलित अगर संविधान लिखेगा तो उसको भी कमजोर करने का काम आप करेंगे। ये सब जो चीजें हैं ये जनता देख रही है। और मैं चाहता हूँ जेपी जी, आप भी बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राउंड पे जाकर के सवाल करते हैं, उसमें जो वास्तविक जो चीजें हैं वो निकल करके आती है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जाता था तो यही कहते थे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि ये वो तो फराजी बता रहे हैं, फराजी बता रहे ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे सुनियोजित अपराध कराए जाते हैं, आपके नेता सुनियोजित अपराध कराते हैं। और वो अपराध जिस तरह से होता है उस अपराध, ठीक है, सचिन जी रुकेगा, दीपक जी पार्टी के नेता किदवई साहब जब लोग वो आपको आईना दिखा रहे कि आपके राज में क्या हुआ, दीपक जी आपको आईना दिखा रहे चीजें, ये जो है ये भी दलित भाई जान रहा है। सचिन जी रुकेगा, आपका सो जो दलित भाई किदवई जी वो यही देख रहे होंगे कि अभी तक कोई भी बात जो है वो निकल के नहीं आई। सचिन जी रुकिए दीपक जी सुन लीजिए, किदवई जी आपकी बात का जवाब दे रहे जो आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए जेपी जी, है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय झूठी पार्टी है ना, ये बहुत सारे नारे दे करके देश में इन्होंने 2014 में सरकार बनाई थी के 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख पेट्रोल डीजल 50 रुपए में। लेकिन क्या है, झूठ जो है वो जनता को समझ रही है, जनता का कहते हैं पकड़ लिए। अब 1951 में नेहरू जी ने महसूस कर रही है, उस महसूस के साथ अपने नेतृत्व देने का काम कर रही है। आज बहकावे में आने वाले सरकार आई थी, ये जुमरों की सरकार चलने वाली नहीं है, ये लोगों के मुकाबले में करने वाले लोग जेपी जी कोई बोलना भी लोग आ जाए। दीपक जी सुन लीजिए ना, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं किदवई जी। दीपक जी सुन लीजिए एक बार, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। दीपक जी रुकिए ना, खड़िए। इसीलिए 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास सबके साथ सबके विश्वास के साथ बढ़ने का काम किया है, जिस तरीके से, ठीक है दीपक जी, हो गई बात आपकी, हो गई कंप्लीट हो गई ना दीपक जी, ठीक है किदवई जी, जिस तरीके हुई विश्वास देश, अरे ठीक है दीपक सोनकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ठीक है किदवई जी। जेपी जी क्या है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने की बीमारी है, और ये बोलने की बीमारी कहां से आ रही है आप ये समझ रहे हैं? 2014 से पहले 2 करोड़ नौकरी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो बोलने की, जो राष्ट्र का नाम संदेश देने की और प्रदेश के नाम संदेश देने की आदत है ना, ये इनका कल्चर बन चुका है बेसिकली। अब होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से भैया हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में डाउरी डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, तो बताए क्या बोलेंगे? अरे साहब नेहरू के टाइम पे भी इतनी होती थी। अगर इनसे ये बोले कि 1/3 रेप केसेस एज पर NCRB उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, अब बोलेंगे तो ये इंदिरा जी के जमाने में भी होते थे। अगर इनसे ये कहा जाए कि दलित भाई को आज की तारीख में जौनपुर में जबरदस्ती पेशाब पिला दिया गया, तो ये नहीं किदवई साहब एक मिनट किदवई साहब, आप ठीक है, आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी की एक उपलब्धि बता दीजिए ना कि दलितों के लिए ये कर दिया। क्यों देखे आपको, नहीं आप बताए ना कि इसलिए देखे आपको। समाजवादी पार्टी की उपलब्धि ये है, ये उपलब्धि मैं नहीं बता भी नहीं है, किया ही नहीं है, पार्टी की अपराध किए हैं, बता रही है शोषण किया है। अरे बता दी ना किस दलित महापुरुष का आपने, जिस तरह गंगाराम जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत सारी मूर्तियां बनवा दी, हमारी आस्था का सम्मान रखा। हाँ। अरे सर सुनिए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के पेड़ प्रवक्ता है ना, इनका मुझे जवाब नहीं देना है। मैं आपके जो करोड़ों दलित समाज के भाई हमारे, जो हमारे बहुत दिगर के करीब है, वो सुन रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ सरकारी डेटा, ये बोल रहा है जनता, दे रही है वही जनता जो देश के समाजवादी के टाइम पे दलितों के खिलाफ अत्याचार होते थे, उसमें अत्याचार, जनता दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे जो अत्याचार हो रहे हैं
बढ़ोतरी कहीं ज्यादा हो गई है, 16% तो कहीं पिछले साल बेस पर है। ऐसे डिबेट करानी तो मैं नहीं करूंगा, दो दो बार इनसे कहीं ठीक है। दीपक जी रुकिएगा, गंगाराम जी ठीक है, किदवई साहब आपको भी मौका दे रहे हैं। गंगाराम जी मेरा सवाल ये है किदवई साहब से, लेकिन किदवई साहब उस बात का जवाब ही नहीं दे रहे। सर कंपेयर तो आप ऐसे करिए ना कि हमने समाजवादी पार्टी में दलितों को आगे बढ़ाया और इन्होंने कमजोर किया। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, आप बताइए ना कोई उपलब्धि तो बता दीजिए, 5 उपलब्धि बता दीजिए। गंगाराम जी को चुप करा दीजिए, गंगाराम जी को आप चुप करा दीजिए ना। अरे जेपी जी बोलने दीजिएगा तभी तो। हाँ मैं हो गया सर, चुप हो गया जी। देखिए समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धि है ना वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं और एनसीआर भी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के काल में एनसीआरबी के हिसाब से पिछले साल 16% दलित उत्पीड़न के केसेस बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा है। अरे ठीक है ना सर, आप उनको उंगली दिखा रहे, लेकिन ये तो बता दीजिए आपने क्या किया था अपने राज्य में। ये इनका डेटाबेस है, मेरा नहीं है। ये दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी। मैं गंगाराम जी को लाइए भाई, गंगाराम जी, ये गंगाराम अंबेडकर जी से पूछिए। गंगाराम अंबेडकर जी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से व्हाट्सएप पर ठीक है आपकी बात का जवाब दे रहे हैं किदवई जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना गंगाराम जी। अरे आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, कुछ शर्म करिए, कुछ सीखिए, पढ़िए लिखिए तब आकर के डिबेट करने बैठिए। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से व्हाट्सएप आ गया और आप खाली उसको पढ़ने लगे। कोई सरकार अगर किसी समाज की आस्था के प्रति अगर सम्मान करती है तो उसमें हमें स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन किस पार्टी से, मैं इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक हमारे महापुरुषों के सम्मान का सवाल है, अगर सरकार उस पर कोई काम कर रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्वागत नहीं करेंगे तो सरकार क्यों हमारे सम्मान में काम करेगी? तो अगर सरकार की इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि संत सरोवर रविदास जी के मंदिर 15 करोड़ की लागत से बनना चाहिए, इसका स्वागत विपक्ष की विपक्ष के चश्मे से मत देखिए। विपक्ष के चश्मे से ना देख के आप जनहित के चश्मे से देखिए कि इसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर संत सरोवर रविदास, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 40 साल तक केंद्र में, 45 साल तक यूपी में राज करने का मौका मिला, ये काम तो कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, ये काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार को करना चाहिए। ये सही है कि शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन उसमें रंग भरने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, कि इसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, संत शिरोमणि गुरु रविदास। चलिए सर, जिसने काम अच्छा किया ना, आप जनता देखिए, आप चुनाव नजदीक आ ही लिए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए ना, पता चल जाएगा। गंगाराम जी आपको भी, किदवई साहब आपको पता चल जाएगा, और सचिन जी आपको भी, दीपक जी आपने अच्छे काम किए तो जनता आपके साथ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं रविदास जयंती के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश तो की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि दलितों को साधा जाए, और दलित अभी बीजेपी की तरफ देख भी रहा है, लेकिन इस बार क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तो 24 का चुनाव, मोदी का दलित दाब, इसमें बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबर।